गलतियां करके माफियां मंगियां, गलतियां करके माफियां मंगियां, दितियां दाता ने नेमता चंगियां, दितियां दाता ने नेमता चंगियां, उपर दे पाए ने मेरिया गुनावां ते, पर दे पाए ने मेरिया गुनावां ते, दाता तेरा नाम लिखया है मेरे सावाते, दाता तेरा नाम लिखया है मेरे सावाते, नाम लिखया है दिल ते निगावाते, नाम लिखया है दिल ते निगावाते, दाता। ओम साई राम, साई बाबा सबकी रक्षा करना। आज हम अध्याय 29 का शेष भाग आगे पढ़ रहे हैं। तात्या साहेब नूलकर को मुक्ति दान। तात्या साहेब नूलकर के संदर्भ में केवल इतना ही विवरण मिलता है कि वे जीवन पर्यंत शिरडी में रहे थे और वहीं उनका निधन हुआ था। श्री साई लीला पत्रिका में प्रकाशित संक्षिप्त से विवरण के अनुसार तात्या साहेब पंडरपुर में सब जज थे। वहीं उनकी मैत्री नाना साहेब चांदोरकर से हुई। चांदोरकर भी पंडरपुर में ही मामलदार थे। दोनों अक्सर मिलते भी रहते थे और काफी देर तक वार्तालाप किया करते थे, लेकिन दोनों में वैचारिक भिन्नता थी। वे वैचारिक भिन्नता यह थी कि नाना साहेब चांदोरकर का यहाँ साधु संतों में पूर्ण विश्वास था, वहीं तात्या साहेब नूलकर की संतों के प्रति निष्ठा नहीं थी। एक बार नाना साहेब ने तात्या साहेब को श्री साई बाबा की लीला कथाएं सुनाते हुए बाबा के दर्शन करने का आग्रह किया। तात्या साहेब किसी तरह तैयार तो हो गए, लेकिन शर्त रख दी कि पहली शर्त तो यह कि रसोईया ब्राह्मण होना चाहिए, दूसरी शर्त यह कि बाबा को भेंट करने के लिए नागपुर के संतरे होने चाहिए। ये दोनों ही शर्तें संयोगवश पूरी हो गई, अतः तात्या साहेब को शिरडी जाना ही पड़ा। शर्तें कैसे पूरी हुई यह भी बड़ी विचित्र बात है। हुआ यह कि एक ब्राह्मण नाना साहेब के पास नौकरी मांगने आया था। नाना साहेब ने उसे तात्या साहेब के पास भेज दिया। इसी तरह नागपुर के संतरों का एक पार्सल भी तात्या साहेब के पास पहुंच गया, लेकिन पार्सल पर भेजने वाले का नाम पता नहीं लिखा था। जब तात्या साहेब शिरडी पहुंचे और बाबा के सामने मस्जिद गए तो बाबा उन पर क्रोधित हो गए, लेकिन बाद में धीरे धीरे बाबा के संपर्क से तात्या साहेब को विश्वास हो गया कि श्री साईं बाबा निश्चय ही ईश्वर के अवतार हैं। फलस्वरूप वे बाबा से काफी प्रभावित हुए और जीवन भर शिरडी में रहे। जब तात्या साहेब का अंतिम समय आया तो उन्हें संत ग्रंथों का श्रवण कराया गया और बाबा के चरणों का अमृत सेवन कराया गया। जब बाबा को पता चला कि तात्या साहेब का निधन हो गया है तो वे एकाएक बोल पड़े कि अरे तात्या तो बहुत आगे निकल गया है, अब वह फिर से जन्म नहीं लेगा। मेघा को मुक्ति दान। इसी तरह मेघा के संदर्भ में इसी ग्रंथ पुस्तक के 35वें अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। जब मेघा का निधन हुआ और गांव के लोगों ने उसकी शव यात्रा निकाली तो बाबा भी उसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने अर्थी पर पुष्प बरसाए थे। इतना ही नहीं, जब मेघा का दाह संस्कार किया गया तब बाबा सामान्य लोगों की तरह काफी दुखी हुए थे। वे रुदन करते हुए मस्जिद लौटे थे। बाघ को मुक्ति दान। श्री साईं बाबा बड़े विलक्षण संत थे। मनुष्य ही नहीं, हिंसक जीव भी उनके शरणागत थे। एक बार एक बाघ ने भी बाबा की शरण ली थी। हुआ ये कि जब श्री साईं बाबा समाधि लेने वाले थे, उससे 7 दिन पूर्व शिरडी में मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उस बैलगाड़ी में जंजीरों से जकड़ा एक बाघ था। वह बाघ असाध्य पीड़ा से पीड़ित था। बाघ के साथ ही 3 व्यक्ति भी थे। वस्तुतः वे व्यक्ति उस बाघ का गांव-गांव में प्रदर्शन कर धनार्जन किया करते थे। एक प्रकार से वह पालतू बाघ था। उन लोगों की आजीविका का एकमात्र माध्यम वे बाघ ही था। उन्होंने बाघ की काफी चिकित्सा करवाई, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। लोगों से उन्होंने श्री साईं बाबा की महिमा सुनी तो वे बाघ को लेकर श्री साईं बाबा के दरबार में हाजिर हुए। जंजीरों से जकड़े बाघ को उन्होंने मस्जिद के द्वार पर खड़ा कर दिया। बाघ हिंसक जीव है, लेकिन उस समय वह बीमार था और उसे बेचैनी भी हो रही थी, इसलिए लोग उसके निकट खड़े होने का एहसास कर पाए थे। बाघ के स्वामी 3 व्यक्ति मस्जिद में गए और बाबा को सारा वृतांत बताकर व उनकी आज्ञा लेकर बाघ को बाबा के सामने लाए।
बाघ मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो एकाएक बाबा के तेज को सहन नहीं कर सका और पीछे की ओर हटकर गर्दन झुका ली। जब बाबा ने बाघ को देखा और बाघ ने बाबा को देखा तो दोनों की दृष्टि एक होने पर बाघ मस्जिद में पहुंचकर एक टक बाबा को देखने लगा। बाद में उसने पूंछ हिलाकर 3 बार अपनी गर्दन जमीन पर पटकी। इसके बाद उसने देह त्याग दिया। बाघ के मरने पर उसके तीनों स्वामी बड़े निराश हुए, कारण कि वह बाघ ही उनकी आजीविका का माध्यम था। बाद में उन्हें आभास हुआ कि बाघ काफी बीमार था और उसका अंतिम समय निकट आ चुका था। इस तरह बाबा ने बाघ को भी मुक्ति दान दिया। इससे यही निष्कर्ष निकला कि जो संत चरणों में शीश झुकाकर प्राण त्यागता है वह जीवन मरण से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसा तभी संभव हो पाता है जब पूर्व जन्म के संस्कार शुभ हो। ओम साई नमो नमः, ओम साई राम, ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 40 का अध्ययन करेंगे। तब तक साई स्मरण करते रहिए और अच्छे कार्य करिए। अगर आपको हमारा चैनल साई तेरे नाम जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम साई राम, ओम साई राम।